नमस्कार, मैं ही संदीप कुमार और आप देख रहे हैं दी पब्लिक इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूब बेस्ड न्यूज चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जहां कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं पे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच एक बार फिर से दरार बढ़ती जा रही है, सीज फायर बढ़ता जा रहा है। आखिर किस मामले पर कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की जनता से जवाब मांग लिया कि राजस्थान की जनता किसे सीएम के रूप में देखना चाहती है। हालांकि अभी तो शायद राजस्थान के अंदर कांग्रेस पलटवार ना करे या सीएम को ना पलटे या अशोक गहलोत को हटाकर सीएम ना बनाए, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता। अगर वोट 70-80% प्लस हो जाते हैं तो राजस्थान की सरकार गहलोत को एक साइड में फेंक कर सचिन पायलट को सीएम बना सकती है या आने वाले इलेक्शन के अंदर 100% श्योरिटी से कांग्रेस पार्टी के सीएम के चेहरे हो सकते हैं अशोक गहलोत। इसी तरीके से मनाने की कोशिश की जा रही है। एक बार पहले 6 या 7 महीने पहले भी अशोक गहलोत और जो है सचिन पायलट के बीच राड़ काफ़ी बढ़ गई थी, एक बार फिर से ये राड़ बढ़ गई है। सुलह के लिए समझौते पर अमल भी नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी हाईकमान को यहाँ पे दखलंदाजी करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बयान दिया, जिसमें एक बार फिर से टकराव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे पायलट ने मीडिया से कहा कि सोनिया गांधी के निर्देश पर कांग्रेस में जो सुलह कमेटी बनी थी उसकी सिफारिशों पर तुरंत कार्रवाई हो, अब देरी का कोई कारण नहीं है। उन्होंने इस बयान से साफ है कि अभी पायलट खेमे में असंतोष थमा नहीं है और यह गहलोत सरकार और कांग्रेस के लिए चिंता की वजह बन सकती है। सचिन पायलट ने कहा कि कई माह पहले एक कमेटी बनी थी, दुर्भाग्यवश अहमद पटेल का सर्वगास हो गया और उस पर आगे काम नहीं हो पाएगा। मुझे विश्वास है कि अब और ज़्यादा देरी नहीं होगी। जिन मुद्दों पर आम सहमति बनी है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और होगा ऐसा ही लगता है। राजस्थान कांग्रेस का सूत्रों का कहना है कि पायलट खेमा अब मंत्रिमंडल में अपने समर्थक विधायकों के लिए 4 मंत्री पद और राजनीतिक नियुक्तियों में भी बराबर की भागीदारी मांग रहा है। इसे लेकर पायलट कई बार दिल्ली में प्रियंका गांधी और अजय माकन से भी मिल चुके हैं। पायलट के बयान से साफ है कि उनके खेमे की मांगों को नहीं माना गया तो फिर से दोनों गुट में खुलकर टकराव हो सकता है। यहाँ तक कि पायलट समर्थकों ने सीएम के रूप में लोकप्रियता के लिए वीडियो वेज डिमांड भी कर दी है, जैसे कि हमारी वीडियो में डिमांड हो रही है कि सचिन पायलट को आप सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट के माध्यम से देख सकते हैं और चाहते हैं यस तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली कम्युनिटी में आप वोटिंग कर पाए। आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद एक खेमा सचिन पायलट को सीएम बनाए जाने की मांग कराए, हालांकि हाईकमान ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाया था। फिर भी मतभेद जारी रहे और कई बार उनके बीच भी शामिल होने की भी चर्चाएं चली। मंथ में राजस्थान पायलट डिप्टी सीएम पद से भी हटा दिए गए, लेकिन एक समझौते के तहत वे पार्टी में बने रहे और अब एक बार फिर से उनके गुठने मांगों को पूरा करने की बात कही है। और सचिन पायलट को राजस्थान की 50% जनता तो तय हो चुका है कि अशोक गहलोत से ज़्यादा सचिन पायलट को सीएम के रूप में देखना चाहती है राजस्थान की जनता। इसके बारे में आप क्या सोचती हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, 2 वर्ड हमारी इस वीडियो में लिख सकते हैं और राजस्थान की राजनीति के बारे में आप कमेंटमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।